हाल ही में निकले नीट 2024 के परिणाम में IITN हमीरपुर के दो छात्रों सचिन ठाकुर और साक्षी शर्मा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इन दो छात्रों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए इस परीक्षा में अच्छे रैंक हासिल कर संस्थान का नाम प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में रोशन किया है, तो वहीं 15 अन्य छात्रों ने भी अच्छा प्रदर्शन करके संस्थान का नाम रोशन किया है। इन छात्रों की इस उपलब्धि से संस्थान प्रबंधन सहित इन छात्रों के अभिभावक खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। नीट की परीक्षा में संस्थान की चंबा के तीसा से संबंध रखने वाली छात्रा साक्षी शर्मा ने 720 में से 626 अंक तथा मंडी के सचिन ठाकुर ने 720 में से 673 अंक हासिल किए हैं। दोनों ही छात्रों ने अपनी इस सफलता के लिए IITN हमीरपुर के प्रबंधन व अध्यापकों का आभार प्रकट किया। वहीं IITN हमीरपुर के चंबा से संबंध रखने वाले छात्र काव्या ने भी JEE एडवांस में भारत वर्ष में अच्छी रैंक हासिल की है। मेरा नाम सचिन ठाकुर है और मैं गांव सलोन जिला मंडी से बिलोंग करता हूं। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैंने नीट क्रैक कर लिया है। सो मेरी नीट की जर्नी स्टार्ट होती है प्लस टू से। मैंने प्लस टू अपनी डीवी पब्लिक स्कूल हमीरपुर से की थी और उस टाइम मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो मेरा स्कोर 383 आउट ऑफ 720 था, जो कि काफ़ी नहीं था कि मुझे एक मेडिकल सीट मिल सके। सो मैंने एक ड्रॉप करने की सोची। देन आई हर्ड ऑफ एडिंग क्लासेस हमीरपुर, क्योंकि वहाँ के रिजल्ट्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे और वहाँ के टीचर बहुत ही वेल एजुकेटेड एंड स्मार्ट थे। सो मेरी नीट की जर्नी स्टार्ट होती है एडिंग क्लासेस हमीरपुर के साथ। मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट वीक थे तो वहाँ के टीचर्स ने मुझे मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से उन कॉन्सेप्ट को समझाया और उनको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प की। वहाँ के टीचर्स ने मुझे काफ़ी मोटिवेटेड रखा और मुझ में करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। सो इस टाइम 2024 में मेरी IITN क्लासेस हमीरपुर की वजह से 673 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए। वहाँ के टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट बहुत ही अच्छे थे और उसने मुझे खुद को एनालाइज करने में और खुद को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प किया। और वहाँ हर मंडे को थ्रू आउट द ईयर मंडे टेस्ट होते थे तो उसने मुझे पाथ पे ट्रैक करने में हेल्प की। वहाँ का टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ बहुत ही हेल्पफुल, फैमिलियर और फ्रेंडली होता है, जो कि वहाँ एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट बिल्ड करता है और बच्चों में प्रेशर क्रिएट नहीं होने देता है। इवन दिन में 2 बजे तक क्लास अटेंड करने के बाद में रात के 7 बजे तक कोचिंग में पढ़ने बैठा होता था और वहाँ के टीचर्स हमेशा अवेलेबल रहते थे। मेरा कुछ जिस टाइम जो डाउट हो वो उस टाइम ही क्लियर कर देते थे। यही माहौल एक नीट एस्पिरेंट को चाहिए ताकि वो सक्सीड कर सके अपनी लाइफ में। तो मेरी फिजिक्स की फैकल्टी विजय राणा सर, जिन्होंने अपनी MTech और BTech IIT खड़गपुर से की है, उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट इतने अच्छे तरीके से समझाए मुझे। उसी वजह से आज मेरे 158 आउट ऑफ 180 मार्क्स आए हैं फिजिक्स में। और मेरी केमिस्ट्री की फैकल्टी सुमित सर ने मुझ पर बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड किया और मुझ पर हमेशा भरोसा रखा और इसीलिए मेरे उसमें 165 आउट ऑफ 180 है। और बिंदिया मैम, जो कि हमारी बायोलॉजी फैकल्टी है, उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट इतने आसान तरीके से समझाए और अपने कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज किया कि मुझे आज भी वो कॉन्सेप्ट याद है और उसने मुझे मेरे 350 आउट ऑफ 360 स्कोर किया। सो आई लाइक टू थैंक माई टीचर मेनली फॉर सपोर्टिंग मी एंड गाइडिंग मी थ्रू आउट माई जर्नी। और एक स्पेशल थैंक मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी है, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया थ्रू आउट माई जर्नी एंड गाइड किया मुझे हमेशा प्रॉपर राह पे। एंड आई विल ऑल्सो लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स एंड टीचर ऑफ IITN क्लासेस वंस अगेन। सो लास्ट में यही कहना चाहूँगा, स्टे फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम साक्षी शर्मा है। मैं जिला चंबा तीसा के गांव डिकनूर से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी 12th क्लास GMSS तीसा से पास आउट करी है एंड आफ्टर 12th मैं नीट का एग्ज़ाम एज अ फ्रेशर कुछ रीज़न की वजह से नहीं दे पाई थी, बट मेरा गोल काफ़ी क्लियर था कि मुझे नीट की प्रेपरेशन करनी है, उसके लिए ड्रॉप लेना पड़ेगा। बट फर्स्ट ड्रॉप था तो आपके ऊपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है कि आप कौन से कि जो भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चूज़ करो वो बेस्ट होना चाहिए। तो मेरे कुछ सीनियर एंड नोन जिनकी ऑलरेडी MBBS में सिलेक्शन हो चुकी थी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया IITN क्लासेस हमीरपुर। सो मैंने अप्रैल 2023 से अपनी नीट की प्रेपरेशन वहाँ से स्टार्ट कर दी। एंड बेस्ट पार्ट था कि लास्ट 5 ईयर से वहाँ पे स्टेबल टीचर्स थे एंड जितने भी टीचर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा वेल एजुकेटेड, एक्सपीरियंस एंड काफ़ी सपोर्टिव रहे। हमें हर एक पॉसिबल वे में मोटिवेट करने की कोशिश करी उन्होंने एंड जो भी कंसेप्ट होता था वो बहुत अच्छे से क्लियर कर देते थे, जिसकी वजह से टॉपिक को समझना बहुत ज़्यादा ही इजी हो जाता था। जैसे फिजिक्स के लिए हमारे विजय राणा सर, जिन्होंने
खुद इंजीनियरिंग आईआईटी खड़गपुर से कंप्लीट करी है, वो खुद एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे, तो उन्हें पता है कि किस टाइप का प्रेशर एक स्टूडेंट फेस करता है। उन्होंने हमें हर एक पॉसिबल वे में गाइडेंस प्रोवाइड करी। एंड मेरे पर्सनली फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा वीक थी, तो उन्होंने मेरे हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करा, बहुत अच्छे से हर एक कंसेप्ट को समझाते थे। एंड केमिस्ट्री के लिए सुमित सर, जिन्होंने हमारे हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करा, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड की, हर एक पॉसिबल वे में गाइडेंस दी। एंड बायोलॉजी के लिए रविंद्र कौर मैम, जो बहुत अच्छे से कंसेप्ट को विजुलाइज करवा देते थे, एंड इवन वो एनसीईआरटी की रीडिंग भी करवाते थे, जिसकी वजह से अगर हमें कोई भी डाउट होता था तो वो हम ऑन द स्पॉट ही क्लियर कर लेते थे। सभी टीचर्स ने पूरा साल काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन प्रोवाइड करी। 2 बजे तक हमारी क्लासेस होती थी, उसके बाद 6-7 बजे तक मैं इंस्टीट्यूट से ही पढ़ा करती थी, तो अगर मुझे कोई भी डाउट होता था तो मैं ऑन द स्पॉट वहीं पर जाके क्लियर करवा लेती थी। एंड बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहे वो मेरी पूरी जर्नी के अंदर। एंड सेकेंड पार्ट जो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, कि हमारे वीकली टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते थे, जिसके अंदर हम खुद को इवेल्युएट कर पाते थे किस तरीके से हमारे कौन से पार्ट वीक है, जिसके अंदर हमें ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। टीचर्स हमें सजेशन प्रोवाइड करते थे। एंड लास्ट में जो हमारी टेस्ट सीरीज हुई, मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए गए, उन्होंने मेरी नीट की प्रेपरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करी। एंड मैंने इस साल नीट 2024 के अंदर आउट ऑफ 726 मार्क्स स्कोर किए, जो कि मेरे लिए एज अ फर्स्ट ईयर ड्रॉपर फर्स्ट अटैम्प्ट में काफ़ी बड़ी बात थी। और मैं इसका श्रेय देना चाहूँगी अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने मुझे अनकंडीशनली हर एक सिचुएशन के अंदर सपोर्ट किया, और मेरे आईआईटी क्लासेस के टीचर्स को, जो कि मुझे हर एक पॉसिबल वे में गाइड करते रहे, मुझ में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन। और अगर कोई भी नीट 2025 का एस्पिरेंट है, तो मैं उसे यही बोलना चाहूँगी कि स्टे फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड, हार्डवर्क पेस ऑफ। थैंक यू सो मच।